हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सभी को कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के उन प्रश्नों को कराने वाले हैं जो 2024 के बोर्ड के एग्जाम के लिए फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, यदि आप बोर्ड के एग्जाम में 95% अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसमें आपको उन्हीं प्रश्नों को कराने वाले हैं जो आपके पिछले साल के पेपर में कई बार रिपीट हो चुके हैं और 2024 के बोर्ड के एग्जाम में फ्रेंड्स सभी आने वाले प्रश्न हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने पहला सवाल है और देखिए फ्रेंड्स, ये सवाल आपके 2023 और 2022 में जो आपका पेपर हो चुका उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न क्या है आपका, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई थी। ऑप्शन है दिल्ली में, लाहौर में, सूरत में या कोलकाता में। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, जो पाकिस्तान की मांग की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा वो लाहौर अधिवेशन था। फ्रेंड्स, कौन सा अधिवेशन, लाहौर में ये आपकी पाकिस्तान की मांग की गई थी। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तान की मांग कब की गई थी फ्रेंड्स, लाहौर अधिवेशन में की गई थी। और किसके द्वारा की गया था फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखिएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्रेंड्स, क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सवाल आपका क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी। ऑप्शन है रालेट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन। तो फ्रेंड्स, आप इसके साथ में याद रखिएगा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। फ्रेंड्स, कब चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, कब स्टार्ट किया गया था, तो 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। फिर फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि नमक कानून तोड़ने के खिलाफ में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। आपका अगला नंबर का सवाल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न करा रहे हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सवाल ही आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, इसीलिए आप वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, देखिए क्या है आपका तीसरा नंबर का, कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। फ्रेंड्स, ये 2000 पेपर देख लीजिएगा, 2023 में, 2022 में ये प्रश्न आ चुके हैं कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन 1919 में हुआ था, या 1924 में, या 1929 में, या 1934 में। तो फ्रेंड्स, देखिए आप याद रखिएगा, जो आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स, क्या है कि भारत में प्रेस का जनक किसे माना जाता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो भारत है उसमें प्रेस का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, रूसो, हिक्की या गोविंद मोहन। तो फ्रेंड्स, देखिए प्रेस का जनक जो भारत में माना जाता है फ्रेंड्स, वो किसको माना जाता है, तो याद रखिएगा कि जो हिक्की थे, ठीक है, हिक्की के द्वारा आपका प्रेस स्टार्ट किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल फ्रेंड्स देखते हैं आपके सामने, अगला नंबर का पाँचवा नंबर का सवाल है, गुलामगिरी का लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो गुलामगिरी है उसका लेखक कौन है, यानी किसने गुलामगिरी लिखा है पुस्तक। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है डॉक्टर भीम राव राम जी अम्बेडकर जी हैं, या ज्योतिबा फुले हैं, या कैलाश बासनी देवी हैं, रामास्वामी नायकर हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए गुलामगिरी के जो लेखक हैं वो ज्योतिबा फुले जी हैं। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स आपके सामने है, छठवां नंबर का, कि मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, जैव संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन, ये संभावित संसाधन। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो मृदा है आपका एक प्रकार का नवीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत आता है, जिसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल फ्रेंड्स आपका सातवां नंबर का है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, काली जो मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, ऑप्शन है झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में। तो फ्रेंड्स काली जो मिट्टी पाई जाती है आपका गुजरात में पाई जाती है, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त काली मिट्टी आपका जो पाया जाता है महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में। तो काली मिट्टी आपको महाराष्ट्र में भी पाया जाता है और कहाँ पर पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स आपका है आठवां नंबर का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, कि हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन को, घास के मैदान को, हरे पेड़ को, सघन झाड़ी को। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, जो हरा सोना है वो प्राकृतिक वनस्पति जो होते हैं उसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स इन प्रश्नों को जितने भी बता रहे हैं सभी प्रश्नों का आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, कि निम्न में से कौन नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है। तो फ्रेंड्स आपको सीधे सीधे बताना है कि जो नर्मदा नदी है उस पर कौन सा बांध बनाया गया है। ऑप्शन है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, सरदार सरोवर बांध या सरदार पटेल बांध। तो फ्रेंड्स देखिए इसका सही जवाब आपको हो जाएगा सरदार सरोवर जो बांध है कहाँ पे बनाया गया है फ्रेंड्स? नर्मदा नदी पर। तो फ्रेंड्स आपकी बोर्ड के एग्जाम में बांध से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, आप इन प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल फ्रेंड्स आपके सामने है दसवां नंबर का, कि भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त है, यानी कि जो भारत जो है विश्व में जो वर्षा हो रही उसका कितना प्रतिशत भाग भारत में होता है। तो फ्रेंड्स आपका इसका सही जवाब होगा ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, कि 4% तक वर्षा जो होता है विश्व में देखा जाए कितना वर्षा भारत में होता है, 4% होता है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स आपके सामने है, काटन दहन कृषि या इसे आप क्या कहते हैं कृषि झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, यह कह रहा है किस राज्य में पाई जाती है। तो फ्रेंड देखिए आपका झूम खेती कहिएगा या उसे काटन दहन कृषि, ठीक है, तो किस राज्य में होता है फ्रेंड्स? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में ये होता है, राजस्थान में होता है, उत्तराखंड में होता है या मिजोरम में होता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा झूम जो खेती होती है या झूम कृषि जो होती है आपका मिजोरम राज्य में होता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन प्रश्नों को फ्रेंड्स आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल फ्रेंड्स आपके सामने 12 नंबर का देखिए क्या है, कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत निम्नलिखित में से सम्मिलित किया गया है, यानी मोटे अनाज को फ्रेंड्स किसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ये प्रश्न आपके 2022 में और 2020 में फ्रेंड्स ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मोटे अनाज किसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ऑप्शन है चना को, मूंगफली को, ज्वार को या मूंग को। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो ज्वार है, ठीक है, जो ज्वार है इसे मोटे अनाज के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो 12 नंबर का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स 13 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है, यानी खनिजभूत आधार पे कौन सा आधारित है। ऑप्शन है मैग्नीज है, अभ्रक है, लौह अयस्क है या ताबा है। तो फ्रेंड देखिए आपका खनिजभूत आधारित जो माना जाता है वो लौह अयस्क माना जाता है। इसका सही जवाब होता है सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स आपका 14 नंबर का है, क्या है एंथ्रेसाइट नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एंथ्रासाइट है। क्या है? एंथ्रासाइट। क्या है? एंथ्रासाइट। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? एंथ्रासाइट। ठीक है, तो एंथ्रासाइट का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है ताबा से है। सॉरी दोस्तों, जो एंथ्रासाइट है इसका संबंध किस खनिज से है? राज्य से नहीं फ्रेंड्स, खनिज से ना। एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है? ऑप्शन है ताबा से है, सोना से है, बॉक्साइट से है या कोयला से है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो एंथ्रासाइट होता है वो किसका खनिज होता है? तो कोयले का होता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। फ्रेंड्स जो एंथ्रासाइट होता है सबसे अच्छी प्रकार का कोयला होता है, यानी एंथ्रासाइट क्या होता है? सबसे अच्छे प्रकार का कोयला माना जाता है। ठीक है, अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स देखते हैं आपका 15 नंबर का सवाल है, कि झारखंड का कोडरमा जो होता है फ्रेंड्स अग्रणी उत्पादक है, यानी कोडरमा पे किस तत्व का उत्पादक होता है या किस पदार्थ का उत्पादक होता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन है अभ्रक का उत्पादक होता है,
लौह अयस्क का, तांबे का या सोने का? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब आपका होगा अभ्रक का। तो कोडरमा में फ्रेंड्स याद रखिएगा जो झारखंड राज्य है वहाँ पे कोडरमा जो है किसके उत्पादक करता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादक होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स 16वां नंबर का आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आपका ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सीमेंट, कागज या स्टील। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा एल्युमिनियम का जो अयस्क माना जाता है वो क्या होता है, बॉक्साइट होता है। इस बीच सवाल पूछता है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो आपका बॉक्साइट याद रखिएगा। तो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किस रूप में होता है फ्रेंड्स, एल्युमिनियम होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स आपके सामने 17 नंबर का क्या है, देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है एल्युमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट या मोटर गाड़ी। तो फ्रेंड्स देखिए चूना पत्थर का जो प्रयोग किया जाता है तो उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। तो चूना जो पत्थर है कच्चे माल के रूप में कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो सीमेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स कि आपका 18वां नंबर का सवाल फ्रेंड्स आपका क्या है, यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है। ऑप्शन है सड़क परिवहन होगा, रेल परिवहन होगा, वायु परिवहन होगा या जल परिवहन होगा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि जो यातायात है आपका उसका सबसे महंगा साधन पूछता है कि कौन सा है, तो वायु परिवहन होता है। तो फ्रेंड्स आप हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं तो सबसे अधिक धन खर्चा करना पड़ता है, इसलिए सबसे महंगा साधन कौन सा माना जाएगा, वायु परिवहन। फ्रेंड्स यदि यहीं पे आपका प्रश्न चेंज करके ये पूछ दिया जाए कि यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि जो जल परिवहन होता है। ठीक है, जल परिवहन जो होता है सबसे क्या होता है, सस्ता साधन माना जाता है। ठीक है, इन चारों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर का सवाल देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है कि नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई, नेपाल में फ्रेंड्स राजतंत्र की समाप्ति कब हुई। ऑप्शन 1990 में, 2014 में और 2008 में या 2015 में। तो फ्रेंड्स देखिए नेपाल में जो राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा का जो शासन चलता था कब समाप्त हुआ था, तो 2008 में याद रखिए कब समाप्त हुआ था फ्रेंड्स, 2008 में नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल 20वां नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। ऑप्शन है रक्षा, कृषि, व्यापार या शिक्षा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर याद रखिएगा जो संघीय सूची के विषय के अंतर्गत आता है वो होता है आपका रक्षा। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सामाजिक विज्ञान के 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं कि जो आपके 2024 के बोर्ड के एग्जाम में सेम टू सेम छपेंगे। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।